उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं, श्रीकांत त्यागी गिरफ्त में आ गए हैं, कैसे जांच होगी उनकी, उनके इतिहास को कैसे खंगाला जाएगा? इस मामले में हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रही है। हम किसी ऐसे अपराधी को जो कानून को डिस्टर्ब किए हैं, कानून हाथ में लिए हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होने वाली है और एक ऐसा संदेश पूरे प्रदेश में हम देने वाले हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा है वो हमारे प्राथमिक एजेंडे में शामिल है। किसी भी माता महन को कोई तिरछी नजर देख न पाए, इसको हम सुनिश्चित करके रहेंगे। तो ये भी कह रहे हैं 2013 से समाजवादी पार्टी के समय से ही श्रीकांत त्यागी की तमाम शिकायतें आ रही थी। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो कथनी करनी उसमें अंतर है, गुंडे माफिया मवाली तत्वों को प्रमोट करना, उनके संरक्षण देना, उनके कार्यकाल की फहरिस्त उठाएंगे, तो इस प्रकार का कृत्य उनका रहा है। मैं फिर कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करेगी। अच्छा, जो बुलडोजर चला है उसको लेकर के बहुत 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 कहा जा रहा है कि सरकार किसी को नहीं छोड़ रही है, आप गलत ढंग से ले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो अवैध संपत्ति है, जो गैर कानूनी ढंग से निर्माण किए गए भवन हैं, हमारे कानून में लिखा है कि उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं और उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ब्रजेश पाठक जी थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि श्रीकांत त्यागी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और श्रीकांत त्यागी ही नहीं, हर वो व्यक्ति जो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।